बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने ऑक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग वगैरह करनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस वगैरह से कम बचें, मतलब कि आपको लॉस वगैरह ना हो और जितना हो सके भी प्रॉफिट ही हो सके। ठीक है, आपको कुछ मेथड्स वगैरह बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपने उस पर अमल करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट अच्छी खासी मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा नहीं तो फिर भी आप 25 से 30 डॉलर डेली के आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर आपने अकाउंट वगैरह नहीं बनाया, ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट है तो आपने जस्ट उसको ओपन कर लेना है। तो जो नए यूज़र हैं उनको वो इस तरह करें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, ऑक्टा एफएक्स का, तो वहाँ से आपने डाउनलोड वगैरह करके उसमें ईमेल और पासवर्ड लगा के तो आपने लॉगिन हो जाना है, या फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करके आएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने या तो फिर गूगल के साथ कनेक्ट कर लेना है उसको, तो या फिर फेसबुक के साथ, नहीं तो आपने ईमेल वगैरह लगाकर पासवर्ड वगैरह लगाकर आपने लॉगिन हो जाना है। ठीक है, उसके बाद ये ईमेल वगैरह की वेरिफिकेशन करेंगे तो आपने ईमेल के ऊपर जाना है, उसमें इनका ऑक्टा एफएक्स वालों का एक मेल आएगा, उस पर क्लिक करके आपने इसको वेरीफाई कर लेना होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, लॉगिन हो जाता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको मेथड वगैरह बताता हूँ। तो आपने फ़िलहाल इसके में डिपॉज़िट नहीं करना, तो जब तक मैं बता देता हूँ कि आपने कब तक डिपॉज़िट नहीं करना। फ़िलहाल इनकी रमज़ान की जो ऑफ़र वगैरह चल रही है, मतलब कि 100% बोनस देते हैं, कि अगर आप 100 का डिपॉज़िट करते हैं, 100 डॉलर का करते हैं, तो आपको 100 डॉलर बोनस के तौर पर दिया जाता है साथ में। तो ये रमज़ान के महीने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग को ओपन कर लेता हूँ मैं, MT4 के ऊपर कर रहा हूँ, MT5 के ऊपर नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है कि आपने जो पेयर सेलेक्ट करना है वो अपने हिसाब से करना है कि किस पेयर के ऊपर आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ज़्यादातर तो लोग जो करते हैं वो यूरो यूएसडी के ऊपर करते हैं, तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूरो यूएसडी के ऊपर करें। ठीक है, तो जब भी आपने पहले तो आप इस पे मतलब कि अच्छे तरीके से समझ जाएं कि किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो अकाउंट है इससे नहीं, मैं आपको डेमो के ऊपर दिखाता हूँ कि आपने डेमो के ऊपर किस तरीके से अकाउंट बनाना है। ठीक है, ताकि आप डेमो पहले सीखें, ठीक है, उसके बाद आपने जो भी करना है उसके बाद करें। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपने MT4 का इधर से एक सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने ऐसे करना है कि इसका ये देखें, इधर MT4 भी है, MT5 भी है, और ऑक्टा एफएक्स सी ट्रेडर भी है। ठीक है, उसके साथ साथ ये उनके और भी हैं कॉपी ट्रेडिंग वगैरह के, तो जस्ट आपने MT4 के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है, तो आपने लीवरेज वगैरह इसकी 1500 रखनी है। ठीक है, तो बैलेंस आपने जितना भी करवाना है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर पहले तो आप देखें कि इसमें डेमो के ऊपर आप 100 बैलेंस रखें, तो अब इस बैलेंस को आपने करना क्या है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि जब ये बैलेंस आपका 5000 हो जाए तब आपने इसमें डिपॉज़िट करना है, उसके बाद आपने ट्रेडिंग वगैरह करनी है, उससे पहले नहीं करनी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने मार्केट के क्या हिसाब किताब है, किस तरफ मार्केट कब जाती है और कैसे जाती है, इसका हिसाब किताब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी क्रिएट किया है, तो इस पर हम ट्रेडिंग वगैरह सीख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे, ओपन हो रही है, थोड़ी सी लोडिंग दे रहे हैं, तो देखेंगे मेरे पास ओपन हो गया है। तो आपने ऐसे करना है कि ये पेयर को सिलेक्ट कर लेना है, तो देखें ये मार्केट का हिसाब देख लें। तो सबसे मेन बात जो होती है वो आपने ये देखनी कि कैंडल वगैरह पिछले कई घंटों से किधर जा रही थी, तो अब किधर जाने का इसका चांस है, तो यही हिसाब होता है। तो अभी मैं इसमें ट्रेडिंग जो लगाऊंगा वो लगा देता हूँ जी, आपने इधर से ये मतलब कि 0.10 की लॉट लगी हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको रेज़ करना है, इस पर क्लिक करके, ठीक है, ऐसे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको रेज़ करना है और इधर 0 उसके बाद 1 कर लेना है। ठीक है, 0.01 की लॉट लगानी है आपने, सिर्फ मिनी लॉट पर ही काम करना है, इससे बड़ी आपने रिस्क नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि ये 100 कोई ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मार्केट जब भी गिरती है, मतलब किसी साइड से भी, इससे ये होगा कि अगर आपको प्रॉफिट होनी वो भी 0.01 के हिसाब से होगी, तो लॉस भी जो होगा तो वो भी इस हिसाब से होगा। अगर आप इधर 0.10 की लॉट लगा देते हैं तो फिर अगर प्रॉफिट होगी वो भी वाजे तौर पर आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा होगी। एक मिसाल, अगर मार्केट नीचे जाती है, चलो कुछ वक्त के बाद मार्केट ने अगर ऊपर भी आना होगा, लेकिन जो 0.10 की जो लॉट लगी होगी तो वो इस तरह होगी कि अगर मार्केट
नीचे जाती है हताकि वो $100 के करीब लॉस की तरफ चली जाती है, तो वो उसको हिट करके वो ऊपर आ जाती है, तो आपका मतलब कि लॉसेज इस तरह लॉसेज ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लॉस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने 0.01 की लॉट रखनी है। तो उसके बाद आपने ऐसे करना कि अब इधर देखें कि मैं ये इधर से भी आपने हिसाब लगा लेना है, अगर मैं बाय करता हूँ तो ये कम से कम इधर जाकर इसकी जो लॉट लगेगी इधर लगेगी, इससे ऊपर ये जो लाइन दिख रही है इसी ऊपर लगेगी। तो टाइम ज़्यादा ना हो जाए, मैं वीडियोस वगैरह बहुत लंबी हो जाती हैं तो देखने वाले को भी बुर कर देती हैं, तो मजबूरी है, ये ज़्यादा लंबी हो जाती हैं इसलिए होती हैं कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ जाए। तो अभी मैं इस पर जो लगा देता हूँ आपके सामने, तो वीडियो तो लंबी होनी है दोस्तों, अच्छे तरीके से देखा करें ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई पछतावा वगैरह या नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो अब मैं इस पर लगा देता हूँ, सिल्की लगा देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने लाट्स वगैरह लगानी है। तो देखें, ये मार्केट का मुझे आइडिया यही था कि ये नीचे जाएगी, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में ये ऊपर भी जा सकती है। तो जैसे ही ये थोड़ी सी प्रॉफिट देता है तो मैं उसको क्लोज कर लेता हूँ। ये मुझे अभी प्रॉफिट दे रहा है 0.13 सेंट की। तो इसके बाद ये हिसाब लगा लें कि बड़ी लॉट भी आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पे लगा लूँ, तो आपने ये जो पेंसिल का निशान है इस पर आपने लगा लेना है। उसके बाद जब भी आपने क्लोज़ वगैरह करनी है तो आपने ये जो प्लस का मल्टीप्लाई का नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे से क्लोज़ कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये तो क्लोज़ हो जाएगी फौरी तौर पर, ठीक है। तो अगर आपने कोई दोबारा उसके अंदर जाना है अपनी मतलब कि साइट के अंदर, तो आपने इधर से ब्लॉकचेन के अंदर इधर से चले जाना है या फिर इधर से चले जाना है, ठीक है। तो क्लोज़ करने के लिए मैंने टाइम थोड़ा सा इजाफी कर दिया है। तो आपने इस तरह ही लॉट वगैरह लगानी है, ठीक है। तो एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आपने लॉट वगैरह लगानी है तो पहले इधर देख लेना है कि लॉट की जो साइज़ इधर जो पुट किया हुआ है वो ज़्यादा तो नहीं है। कहीं अगर एक मिसाल मैंने ये देख लो कि 0.01 किया हुआ था, तो लेकिन इन्होंने जो एप्लीकेशन की तरफ से ये फिर से 0.10 की बन गई है, ठीक है। तो इसका खास ख्याल रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको जस्ट ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको सेट कर लेना होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और गौर रखनी है कि ये किंग 10 की ना लॉट लग जाए। तो देखेंगे प्रॉफिट भी होता है, लेकिन इसके लिए फिर बिल्कुल ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका खास ख्याल रखें, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसका खास ख्याल रखना है आपने। अच्छा, तो अगर एक मिसाल आपको लॉस हो जाता है, जैसे कि ये अभी लॉस की तरफ जा रही है, लॉस हो गया है मुझे 13 सेंट का लॉस हो रहा है और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। एक मिसाल मैं यहाँ से आपको बताने के लिए, ये मैंने क्लोज़ तो नहीं करनी थी, आपको बताने के लिए बता देता हूँ कि कैसे आपने उसके बाद आपने करना है जो रियल मेथड है। चलो मैं लॉस को एक मिसाल इधर से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे लॉस हो गया है 14 सेंट का। तो उसके बाद मैंने आपसे जो न्यू ऑर्डर लगाना है आपने उसको देख लेना है, ठीक है। ये देखें, ये फिर से 10 का बन गया है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको 0.1 कर लेता हूँ, आपने वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन हमें लॉस हुआ है इस वजह से हम अब इसको 0.2 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जब प्रॉफिट आए तो वो लॉस भी हमारा रिकवर हो जाए और कुछ प्रॉफिट भी आ सके, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये मार्केट का हिसाब लगा लेता हूँ कि किधर जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इसके इतना ज़्यादा नहीं इशू, मैं सेल पे ही लगा देता हूँ क्योंकि सेल पे ही थोड़ी सी ये जाएगी। तो उसके बाद देखिए कि अगर आपने कोई बड़ी लॉट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम $1,000 इसमें मौजूद होना लाजमी है, ठीक है। तो उससे पहले आपने यही करना है कि आपने डेमो के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने इस तरह की ट्रेडिंग कर करके मतलब ये जो बैलेंस था एक $100 था, ठीक है। उसके बाद उसने आपने वो उसके प्रॉफिट करते करते $5,000 करने हैं, 100 से $5,000 करने हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ब्रोकर है जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये वर्क कर रहा है। तो इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और इनका एक मैच वगैरह होता है जो हर मंथ के हिसाब से होता है, तो इन्होंने वो इनकी तरफ से $1,000 वगैरह मिलते हैं। तो आपने वो एक महीने के लिए उससे ट्रेडिंग वगैरह करनी होती है किसी भी कॉइन या मतलब कि किसी भी करेंसी वगैरह या ऑयल वगैरह में या गोल्ड वगैरह में या इस तरह के एफएक्स चेंजिंग में आपने करनी होती है। तो जितना ज़्यादा आपका बैलेंस होगा तो उतना ही आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, उतना ही प्रॉफिट, यानी आपको एक मिसाल अगर आप पहले नंबर पर आ जाते हैं तो आपको तकरीबन $500 का इनाम दिया जाता है, जो कि आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अभी जो इनका मैच चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, 8 मई को ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह 8 मई को दोबारा आपको बताऊँगा कि कैसे आपने वो ये बैलेंस वगैरह हासिल करना है, तो उसको कैसे आपने पहले नंबर पर रहना है। तो ये पाँच मतलब कि 5 लोगों को इनाम देते हैं, पहले को ये $500 देते हैं, उसके बाद $300 $400 देते हैं, उसके तीसरे नंबर वाले को 300
$100 देते हैं, और जो चौथे नंबर का होता है उसको $60 मतलब $60 देते हैं, और जो पाँचवें नंबर पर आता है उसको ये $40 देते हैं, ठीक है। तो उस पर भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें तो इंशाल्लाह उससे भी आपको मतलब कि प्रॉफिट होगी। तो वो तो बिल्कुल फ्री होता है, जैसे कि एक समय लेके आपको बोनस मिला होता है, तो आपने जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अब तो पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब चले जाते हैं लोग, तो उसमें से बस चंद ही वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो कुछ का मतलब लॉस वगैरह होता है तो वो तो ख़त्म कर देते हैं, मतलब हाफ रह जाते हैं, 3-4 हज़ार रहते जाते हैं, तो 3-4 हज़ार में से कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते करते ऊपर चले जाते हैं, और वो जो उनसे मिलता है वो प्रॉफिट वगैरह वो हासिल करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी उनको मिलता है वो विड्रा भी कर सकते हैं, उसके बाद उसी पैसों के साथ उसी मतलब कि 500 अगर एक मिसाल आपका तीसरा नंबर आ जाता है $300 आपको मिल जाते हैं, तो आप उससे ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो या फिर आप उसको निकलवा भी सकते हैं, विड्रा भी करवा सकते हैं अपने मतलब के अकाउंट के अंदर। तो मैं अभी इसको क्लोज़ करके बता देता हूँ कि अभी ये मार्केट वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो थोड़ी सी मैं पॉज कर लेता हूँ, जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे प्रॉफिट किस तरीके से हासिल करनी है, ठीक है। तो क्लोज़ करते भी मैं आपको दिखा दूँगा, थोड़ी सी ये मार्केट का हिसाब लगा लें, नीचे जैसे ही आती है प्रॉफिट की तरफ तो मैं इसको क्लोज़ कर लूँगा, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों मैं आपको वो प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि मगरिब होने वाली थी और अफ्तारी का टाइम होने वाला था, इसलिए मैंने फिर वो मतलब के स्टॉप लॉस के ऊपर लगा के स्टॉप टेक के ऊपर मतलब के प्रॉफिट टेक प्रॉफिट के ऊपर लगाकर मैंने ख़त्म कर दी थी, तो ज़्यादा भी प्रॉफिट आ सकती है, देख लें। ये पहले मुझे ये लॉस हुआ था तो मैंने आपको से शेयर किया था कि आपने फिर दोबारा से ये पहले मैंने जो लगाई थी लॉट भी वो आपके सामने है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल वगैरह है, तो ये देख सकते हैं 0.01 की लॉट लगाई थी, ठीक है, वहाँ से मैंने लॉस लिया, उसके बाद मैंने 0.02 की लॉट लगाई है, ठीक है। तो ऐसे आपने काम करना है, तो देख लें ये 0.062 सेंट मतलब कि वो 14 सेंट का मुझे लॉस हुआ था, तो वो भी रिकवर हो गया, उसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट हो गया 48 सेंट वो भी मेरे अकाउंट में ऐड हो गया, ये देख लें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास मतलब कि अगर आप लॉट लगा लेते हैं 0.1 की, तो उसके बाद वो अगर आपको लॉस हो जाता है $1 तक आपने वेट करना है, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आपने वेट करना, अगर ज़्यादा करना है तो $1.50 का आपने मतलब कि उर्दू ज़बान में बता दूं कि $1.50 का आपको अगर नुकसान होता है तब आपने क्लोज़ कर देना है, उसके बाद आपने अगर 0.01 की लॉट लगाई और उसके बाद आपको इतना लॉस हुआ तो आपने 0.02 की लॉट लगा लेनी दोबारा मार्केट को देखते हुए कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है, जैसे ही वो प्रॉफिट में आ जाए तो आपने उसको क्लोज़ कर लेना है, उसके बाद आपने फिर से 0.01 की ही लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं लगानी, कि ऐसे भी नहीं करना कि आपको प्रॉफिट होगी दूसरी लॉट में तो मतलब कि दूसरे ऑर्डर में आपको प्रॉफिट होगी तो उसके बाद आपने फिर से यही करना कि 0.02 की ही लॉट लगा देनी, ऐसे नहीं करना, तो आपने कम रिस्क पर काम करना है बिल्कुल ऐसा ऐसा। तो देखें ये मुझे तकरीबन 5 मिनट के बाद ये खुद ब खुद क्लोज़ हो गई थी, तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह किया कि कम मैंने वो जो लगाई होती है क्लोजिंग टाइम का जो मैंने लगाया हुआ था वो मैंने तकरीबन कम ही लगाया था कि मुझे जब 62 प्रॉफिट हो जाए तो ये क्लोज़ हो जाए, मतलब कि टेक प्रॉफिट मैंने 62 पे ऊपर लगा लिया था, तो मार्केट इससे नीचे भी गई है और जानी भी थी, तो उससे ज़्यादा मतलब कि $1 का मुझे प्रॉफिट हो जाना था, कितने मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो देखिए ये 5 मिनट के अंदर मुझे $1 की प्रॉफिट हुई, तो हिसाब लगा ले 1 घंटे के अंदर ज़्यादा नहीं मतलब कि आपको $12 नहीं तो ज़्यादा नहीं तो आप ये हिसाब लगा लें कि आपको 1 घंटे के अंदर $5 की प्रॉफिट होती है, और 1 दिन के अंदर आप कम से कम उसको $60 भी ना करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ कम इसका हाफ़ कर लें, $30 आप मैक्सिमम इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए ही बनाता हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इस तरह की और नेक्स्ट वीडियो इस तरह की आती रहेंगी तो आपको भी आसानी के साथ मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी इसका अकाउंट बनाएं आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके बाद ऐसे करें कि डेमो अकाउंट बनाएं जैसे मैंने बताया है,
क्रिएट अकाउंट करके आपने एम टी फोर के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके अलावा मैं इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ में, मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियोज़ में भी बताया, मैं MT5 पे भी आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी सिखाऊंगा और कुछ बोनसेस वगैरह हैं वो लेने हैं, तो उसके बाद आपको उस पर मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं जल्द उसका काम कम्प्लीट कर लूँगा, तो आपको भी वो विड्रा वगैरह उसका दिखाऊँगा। उसके अलावा गूगल के ऊपर ऑनलाइन जॉब्स के, मतलब कि ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन अर्निंग विद गूगल एट होम, इस तरह के मतलब बहुत सारे काम हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा और जल्दी करूँगा। तो वो जो दूसरे बोनसेस वगैरह है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उनको हासिल करने का और उसको मतलब उनसे कैसे ट्रेडिंग करनी है, उससे प्रॉफिट कैसे गेन करनी है और प्रॉफिट गेन करने के बाद आपने उससे कैसे वो अपने अपने मतलब के विड्रॉ करवाना है वो कंप्लीट मेथड बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जो नए यूज़र हैं वो अच्छे तरीके से देखें और बार बार देखें, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड कर लें और इसको बार बार देखें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो जो नए यूज़र हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है, तो वो उनसे मैं उनको बता दूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन ऐसे होती है कि वीडियो जैसे चल रही है उसके नीचे इस तरह का एरो नज़र आता होगा, ठीक है, एक कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आपको, जैसे आप सेल देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन वीडियो देख रहे हैं, आपको राइट कॉर्नर सीधे हाथ पर इस तरह का एरो नज़र आता होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी और जो वहाँ पे लिंक होगा उसको ओपन कर लेना है, तो सीधा अपने आप वेबसाइट पे आ जाएंगे या फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड का कहेंगे तो वो डाउनलोड करके आपने गूगल से या फेसबुक से लॉग इन हो जाना है। अगर फेसबुक और गूगल का अकाउंट नहीं बना तो जी मेल का अकाउंट बना के उससे लॉग इन हो जाएँ, अपना अकाउंट बनाएँ। तो डिपॉज़िट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि बिल्कुल भी डिपॉज़िट तब तक ना करें जब तक आपकी KYC ना हो जाए। KYC कहते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन, मतलब कि आपकी वेरिफिकेशन होगी आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर होगी, उसके अलावा कोई बिल वगैरह या कोई गवर्नमेंट के कार्ड वगैरह होता है तो वो देने पड़ते हैं, उसके बाद आपने डिपॉज़िट करना है, अदरवाइज़ आपने डिपॉज़िट नहीं करना। तो लॉट के लिए मैं तो दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना और ज़ीरो यूरो और USD के ऊपर ही आपने ट्रेडिंग करनी है। अभी तक किसी भी क्रिप्टो के ऊपर आपने मतलब वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि उनकी जो फ्लिक्चुएट बहुत होते हैं क्रिप्टोज़ वगैरह, तो मैं दिखा देता हूँ ये कैसे काम करते हैं क्रिप्टो। ये देखें बहुत ज़्यादा फ्लिक्चुएट होते हैं, तो ये मतलब कि $100 आपके पास अगर पड़ा है तो ये तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर हज़म कर जाएगा, तो पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ यूरो और USD के ऊपर ही करना है। ये देखें ये मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं भी इस पर ही करता हूँ। इसके अलावा भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन उनका जो बाई करने का और सेल करने का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके पिप्स में बहुत ज़्यादा उनके पिप्स में डिफरेंस है, तो इसलिए इनके अंदर जो डिफरेंस है वो कम ही होता है, तकरीबन 10 पिप का होता है। तो देख ये 74, 81, ये देख सकती है आप, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 पॉइंट ही होता है इनका जो डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने अपने हिसाब से करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, वीडियो को आपने देख लेना है, उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। और जब आपके पास मतलब आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से सिर्फ $100 की ट्रेडिंग करें, ठीक है, $100 के लिए। ऐसे नहीं करना कि ट्रेडिंग के ऊपर आपने जब भी इस तरह काम करना है कि आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है तो आपने 1 लाख नहीं डिपॉज़िट कर देना, आपने $100 उसमें डिपॉज़िट करना है और उसके साथ ही आपने प्रॉफिट वगैरह गेन करनी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ये फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है कुछ व्यूवर्स वगैरह को, वैसे डिफ़िकल्ट लगती है ज़्यादा लंबी वीडियो, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी बन जाए, लेकिन बहुत सारी बातें बतानी है जो कि हर ट्रेडर के लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।